बता के चलते हैं कि 100% सक्सेस नहीं होती है इसमें, है ना। पहले चांस में भी 80-85% लोगों का लेकिन पॉजिटिव आता ही आता है, पर भगवान की दया से अभी जितना भी ट्रांसफर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, इनफैक्ट मैं कहूँगी 80-85 भी नहीं 90-95% लोगों का हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और आज आप जितने लोगों को मैंने बुलाया आप सबका बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है, मुबारक हो बहुत बहुत। आप सर कितने सालों के साथी को? ये पहला ट्रांसफर हुआ था, बहुत कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे मरीजों से? अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में पहले हम तो भ्रमित थे, मतलब सुबह उठ चले गए जिसके अगर वाले आए फिर उसके हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब ग्रेट हम पानी मिलना चाहिए, ये कहें कि मतलब फर्स्ट स्टॉप में मेरा शादी का 17 साल हो गया था और 3-4 बार मेरा है भी अब फेल हो गया, आज बहुत खुशी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस देखो शादी के 4 साल हुए 17 साल हुए है ना, लेकिन ये जो बच्चा नहीं हो रहा है किसी भी कारण से नहीं हो रहा है उसका दुख जो है वो हर दिन वही रहता है हमारी जिंदगी में, और उसका इलाज हमें 17 साल तक या 20 साल तक वेट करके नहीं करना है, ना ही ये सोच के करना है कि अभी ये 4 ही साल हुए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत आ रही है हम लोग बार बार यही कहते हैं कि आप लोग प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप जरूर करवाइए, जांचे समझिए आपकी कि कहाँ क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो उसका सही इलाज करवाइए। सिर्फ डॉक्टरों के पास भटकने से काम नहीं होगा, अपने को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसका सही इलाज क्या है। IVF जो है वो लास्ट स्टेप कभी भी नहीं होता है ट्रीटमेंट का, IVF हो सकता है किसी कपल के केस में, पहले ही साल शादी के हमें पता चले कि ऐसी दिक्कत है जिसमें IVF से सक्सेस मिलेगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं बोलते हैं नहीं स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करिए। ये डिसीजन कैसे लेना है वो आपको जांचों के बाद पता चलेगा और सही गाइडेंस से पता चलेगा। तो मेरी एक ही गुजारिश है आज जिन लोगों का पॉजिटिव आया आप लोगों के भी जान पहचान में जितने लोग हैं आप लोग उनको ये जरूर गाइड करिए कि एक बार जाके अपना इलाज और अपना चेकअप जरूर करवाएं, है ना। उसके बाद आप लोग आज कुछ समझ पा रहे हो कि प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ क्या दिक्कत आती है, और अच्छी कोशिश देखो IVF सेंटर सब बहुत सारे खुले हुए दुनिया में, हमने बोलते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन इंदिरा IVF जो है आज एक ब्रांड बना है, 104 सेंटर खुले हैं हमारे, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे पारदर्शिता, मतलब कि मरीज को सब बता के मरीज को टच में रख के उसके बाद हर स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट हर स्टेज पे आपको बताया जाता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है अगर आपका रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है तो भी आपको बताया जाता है, हम आपको कभी भी अंधेरे में नहीं रखते, इसी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं हमारे, और इसी वजह से ये विश्वास जो आप लेकर आते हैं हमारे पास वो विश्वास हम कायम रखने में आज तक सफल हुए हैं। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि जो मेरे नए मरीज आए हैं या जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो भी इसी तरह से उम्मीद बांधे रखें, सही कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है, कभी किसी को जल्दी मिल जाती है पहले अटेम्प्ट में, कुछ ही कपल्स होते हैं जिनको कि 1 से ज्यादा अटेम्प्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर हम कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं अपनी कोशिश पर सफलता मिलेगी। मुबारक हो आपको बहुत।